अहमदाबाद में 8वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत हो चुकी है। 14 नवंबर से अहमदाबाद के रिवर फ्रंट इलाके में लगे इस पुस्तक मेले में अलग अलग भाषा और अलग अलग तरह की कई किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन इस पुस्तक मेले में अगर सबसे बड़ा कोई आकर्षण का केंद्र है तो वो यहाँ लगा साइंस स्टॉल है, जहाँ विज्ञान से जुड़ी अलग अलग चीजों के अलावा एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री के साथ सेल्फी लोगों को काफी लुभा रही है। अहमदाबाद में 8वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा है, जो कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट इलाके में लगा हुआ है। फिलहाल हम उसी पुस्तक मेले में हैं और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां कई अलग अलग किताबों के कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। करीब 188 स्टॉल इस पुस्तक मेले में लगे हुए हैं। हर तरह की बुक आपको यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइंस का स्टॉल भी यहाँ पे लगा हुआ है। इस साइंस के स्टॉल में अलग अलग साइंस के कई तरह के मॉडल भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड अलग अलग किताबें भी रखी हुई है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंगलयान था भारत का, वो किस तरह से मंगल पर गया, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग ऑर्बिट के ज़रिए। साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड अलग अलग टॉयज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं। टेलीस्कोप हो या फिर बलून बोट हो या फिर GSLV हो, हर मॉडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री का जो क्यूब है वो भी वहाँ पे रखा हुआ है। उस तरफ जो आप देख सकते हैं बायोगैस प्लांट, डैम, उस तरह से कई सारे अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे रखे हैं। बच्चों की जो रुचि है वो साइंस के प्रति बढ़े, इसलिए ये साइंस का पूरा स्टॉल लगाया गया है। अलग अलग टॉयज़ और किताबें इस स्टॉल में रखी हुई है। साथ ही साथ आप जो दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ यहाँ पे रखी हुई है वो है यहाँ पे लगा ये सेल्फी पॉइंट। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ आके ज़रूर यहाँ आके सेल्फी भी ले सकते हैं और किताबों का मज़ा भी उठा सकते हैं। इसलिए आप भी अगर इस पुस्तक मेले में आते हैं तो इस सेल्फी पॉइंट पे आइए और किताबों का भी मज़ा लीजिए। साइंस आजकल स्टूडेंट्स के अंदर इतना इंटरेस्ट जगाने के लिए देर मस्ट बी समथिंग, स्पेशली ऐसे बुक फेयर्स के अंदर जहाँ पर बच्चों के साथ हर रेंज के एक्चुअली पीपल आते हैं, लाइक ओल्ड एज वाले भी आते हैं और यहाँ पर हिंदी भी है एज वेल एज इंग्लिश भी है एंड गुजराती। सो इट्स गुड कि हर टाइप के लोग, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग पढ़ सकते हैं। इट्स नाइस। जी, एक रीज़न उसके पीछे ये है बिकॉज मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुका है कि वो लोगों को यही चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। फिज़िकल बुक्स की बात कर रहे हो आप और ई बुक्स की बात कर रहे हो, बट आई थिंक कि आजकल के यंगस्टर्स को पढ़ना ही नहीं पसंद है।